हमारे जैसे सामान्य वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जीत बहुत महत्व रखता है मैडम सर। कहे ये जो पैसा मिलेगा ना, जो इनाम राशि मिलेगा, हम इस त्योहार में वो छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं जो हमारे सरकारी वेतन में नहीं आ पाता है, वो बजट से बाहर हो जाता है मैडम सर। एक एक्स्ट्रा मिठाई, एक एक्स्ट्रा फूलझड़ी, एक एक्स्ट्रा लड़ी, एक एक्स्ट्रा दिया, ये इनाम राशि आएगा ना मैडम सर, हमारे घर में ना खुशियों का रोशनी हो जाएगा। आप समझ रही हमारी बात को, इसलिए हम ये मुकाबला हम किसी भी हालत में जीतेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे मैडम सर, देखिएगा। जी मैडम सर, आपने बुलाया? हाँ, हमारे पास आप सबके लिए काम है। संतोष शर्मा, आप उन सारे घरों की लिस्ट बनाएंगी जो घर फिलहाल बंद है, जिनके मालिक छुट्टियों के लिए कहीं बाहर गए हो, ठीक है? जी। पुष्पा जी, आप जितनी भी आपकी उम्र के, जितने भी अमीनाबाद में उम्र दराज और बुजुर्ग लोग हैं, उन सबके घरों की आप एक स्पेशल लिस्ट बनाएंगी, क्योंकि उन्हें महफूज रखना ज्यादा जरूरी है। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आप गश्त पर रहेंगे, लाउड स्पीकर पर सबको इन्फॉर्म करेंगे कि अगर कहीं भी किसी को कोई भी सस्पिशियस या संदिग्ध इंसान उन्हें दिखाई दे, तुरंत पुलिस को इत्तला करें। क्लियर? जी मैडम सर। कांग्रेस काम आया। बिल्लू चंपत, गाड़ियों की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जितनी भी पुलिस व्हीकल्स हैं, उन सब की मरम्मत तुम करवाओगे। किसी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि छोटी दिवाली और मेन दिवाली दोनों रात हम सब कॉन्स्टेंटली राउंड पर रहेंगी, एक भी गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैडम सर। ओके गुड। करिश्मा सिंह जी, अमीनाबाद से आने जाने वाले जितने भी चेक पोस्ट हैं, उन सबको इन्फॉर्म कीजिए कि उन्हें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा, कोई भी सस्पिशियस इंसान इलाके में अंदर जाने ना पाए। जी मैडम सर। सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझ में आ गई? जी मैडम सर। ओके डिसमिस। जय मैडम सर। ये लो 5,000 रुपए। पता है ना का करना है? पता है साहब, वो क्या है ना, महिला पुलिस थाने के इलाके में जाके हर घर में चोरी करनी है, कोई भी घर भरा हुआ नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली। अबे हट। अगला दिन लखनऊ का हर छोटा बड़ा न्यूज पेपर, हर लोकल न्यूज चैनल में तुम्हारा चोरियों का गूंज सुनाई देना चाहिए। वो का कहते हैं, ला एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ जाना चाहिए इस इलाके का। जैसे ही डीएसपी साहब न्यूज पेपर हाथ में लेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही हमें विजेता घोषित कर देंगे। क्या कहते हो? 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट और मुनाफा पूरा 5,00,000 रुपया नकद, सौदा बुरा नहीं है। क्या कहते हो? तुझसे बुरा इस दुनिया में और हो भी क्या सकता, केकड़े के बच्चे। हाँ जीजा जी, हमको ऐसा बोल सकते थे जीजी, पर बोले नहीं। कितने महान है हमारे जीजा जी। अरे कितनी बार कहा कि काम के टाइम पे फोन मत लिया करो। तुम्हारा परिवार है थाना, तुम्हारा घर है, अपनी आंखों से हारते हो, कैसे देख सकते हो? कुछ सोचो, कुछ करो। ए बिल्ले, अरे कुछ आइडिया निकलना। अरे बिल्लू चंपत के होते हुए या महिला पुलिस थाना हार नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो मेरा महिला पुलिस थाना जीतने से रोक सके। रुक, आइडिया आया। बुलबुल पांडे के थाने से कुछ माल चोरी करता हूँ। बाप रे बाप, कितना ज्यादा थक गए हम। संतु जी, एक लोरी गा दीजिए ना, हम यहीं पर सो जाएं। ड्यूटी कर रहे हैं हम। वैसे कैसी नौकरी है ना हमारी, लोग अपने अपने घरों में आराम से त्योहार मना रहे हैं और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं तभी तो वो अच्छे से त्योहार मना पा रहे हैं ना पुष्पा जी। आई तो लव माई जॉब। आई लव यू टू। हाँ, माई जॉब संतु जी। चले चलो चीते, वो 5 नंबर वाली गली में चलते। हाँ, चलो। यहां सब ठीक। अबे तेरी की, ये पुलिस वाले भी ना हर गली हर नुक्कड़ हर जगह तैनात हैं, और जिस घर में बुजुर्ग है ना वहाँ तो और ज्यादा सख्ती कर रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल यार। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि चोरी करें तो कैसे करें। हेलो, हम S.H.O हसीना मलिक बोल रहे हैं, कहिए क्या हुआ।
मैडम मैं आदर्श नगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ, फ्लैट नंबर 503 से मैंने अभी अभी कुछ संदिग्ध लोगों को सामने वाले घर में घुसते देखा है। Are you sure? हाँ बिल्कुल जरूर मैडम, कोई गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, हम अपनी नजदीकी टीम को वहाँ भेजते हैं, हम खुद भी वहाँ आ रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए अगर कोई भी और एक्टिविटी होती है तो आप प्लीज हमें अपडेट कीजिए, ठीक है? ओके थैंक यू। हेलो करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? ओके ठीक है, वेरी गुड। आप आदर्श नगर के बहुत नजदीक हैं, हमें आदर्श नगर में नीलखंड बिल्डिंग 503 में से फोन आया था, सामने वाली बिल्डिंग में उन्हें कुछ सस्पिशियस लोग जाते हुए दिखे, आप वहाँ पहुंचिए, हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं। जी मैडम सर, अभी पहुंच। ओके मैडम सर, उसने बताया इन्फॉर्मर ने कि वो जो संदिग्ध आदमी है वो बसंत रोड की तरफ भागा है, मगर आप चिंता मत कीजिए, हम उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी पुष्पा जी, हम भी बसंत रोड पर ही हैं। और उसने ये भी बताया कि वो जो संदिग्ध आदमी है उसने बनियान पहनी है। हाँ लेकिन पुष्पा जी, यहाँ तो कोई भी हमें बनियान में दिखाई नहीं दे रहा है, फैंसी ड्रेस में, कलरफुल कपड़ों में। अच्छा बस मैडम सर, अभी पहुंच ही रहे हैं। जी जय हिंद। भाई 10,000 के पटाखे लेके आए हैं, आज पूरी रात पटाखे फोड़ेंगे। अरे बहन, तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ बहन, पूरे 5,000 की है, हमारे इमरती के पापा आज के दिन पहनने के लिए लाए थे अर्चना साड़ी दुकान से। हमारे भी प्योर सिल्क की है, 6,000 की है, देखो मेरे तो मोर भी बने हुए। करिश्मा सिंह, बनियान वाला सस्पेक्ट मार्ग की तरफ जा रहा है, एमजी मार्ग की तरफ, जल्दी आइए हम पहुंच रहे हैं। रुक जाओ, मैडम मेरा नाम सूरज, ये मेरी बच्ची गुनगुन नाम है इसका, और एक बच्चा घर पे। मैडम बच्चे मिठाई मांग रहे थे, मैं कहाँ से लाके देती, दो वक्त के खाने के भी लाले हैं तो मिठाई और पटाखे कहाँ से लाते। इस बार आपकी पुलिस बंदोबस्त ने सारा रास्ता बंद कर दिया, मिठाई तो क्या एक लड्डू तक चुरा नहीं पाया। सच कहे आपने मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली। मैडम आपकी वजह से हमारे घर में दिया तक नहीं जले, आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये काली रात हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बात बताओ, तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हो, जाकर काम करो, ईमानदारी के पैसे कमाओ, ये चोरी कर ही क्यों रहे हो? बहुत कोशिश की और आज भी कर रहा हूँ, समय खराब है या नसीब, जिस काम में हाथ डाला वो काम पूरा हुआ ही नहीं। नौकरी करने की कोशिश की, किसी न किसी वजह से नौकरी भी छूट गई। मजदूरी की, बोझा ढोया, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियां भी साफ की, पर ठीक से दो वक्त की रोटी नसीब नहीं हुआ। मैं तो जैसे तैसे जी भी लेता पर बच्चों की बेबसी देखी नहीं जाती, इसलिए ये चोरी की मैंने। हाँ मैडम, मेरे पापा चोर नहीं है, ये तो बहुत अच्छे आदमी है, हमने ही जिद की थी इनसे मिठाई और पटाखों की, इसलिए उन्होंने बुरा काम किया। आज के बाद हम इनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे, प्लीज आप इन्हें जेल में मत डालिए। अच्छा हुआ पकड़े गए, बहुत भगाया तुमने हमको। तुम करिश्मा सिंह रुक जाइए, ये चोर नहीं है। पूरा महीना पड़ा है, सैलरी का भी कोई अता पता नहीं, अकाउंट में भी कुछ नहीं है, बस यही कुछ पैसे बचे हैं हमारे पास सेविंग के नाम पर, क्या करें। ये लीजिए, ये कुछ पैसे रखिए,
मिठाई पटाखे नए कपड़ों के लिए, और हाँ इको फ्रेंडली पटाखे ही खरीदेगा। अपने घर जाइए, दिए जलाइए, रोशनी कीजिए और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कीजिए इस खूबसूरत सी जिंदगी के लिए। और हाँ एक और चीज, जिस दुकानदार से मिठाई चुराई उसे जाकर पैसे दीजिए। तजुर्बा कहता है हमारा कि चोर की रोशनी से बेहतर ईमानदारी का अंधेरा है। जाइए। मैडम सर, हम जानते हैं आपका दिल मोम का है, किसी पर भी जरा सी भी आंच आती है तो आपका दिल पिघल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यही बात जो है वो आपको अब सबसे अलग करती है। पर आप ही ने तो कहा था ना कि चोरी चोरी होती है, फिर वो एक रुपए की हो या एक करोड़ की, तो फिर आपने उस चोर को ऐसे जाने क्यों दिया? कच्चा बनियान गिरोह का आदमी हो सकता था, आगे का लीड हो सकता था, हमारे इनाम जीतने का चाबी हो सकता था वो आदमी। करिश्मा सिंह वो किसी भी गैंग का मेंबर नहीं है, वो कोई चोर नहीं है, वो कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है, वो बस एक मजबूर बाप है जिसने शायद जिंदगी में पहली बार अपने बच्चों की खातिर गलत कदम उठाया, और इस बात के लिए उसे हमदर्दी मिलनी चाहिए, सजा नहीं। और आप सबका क्या नजरिया है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पुष्पा जी। जी मैडम सर। इस मार्केट एरिया को छोड़कर जितना भी एरिया वहाँ पे सिक्योरिटी सख्त रखिए, क्योंकि यहाँ अगर हुई भी तो ज्यादा से ज्यादा मिठाई की या छोटी मोटी खाने पीने की चीजों की चोरी होगी बस। मगर मैडम सर, फिर तो ये चोरी हुई ना, केस तो चोरी का ही बनेगा, ऐसे में तो हम ये मुकाबला हार जाएंगे। मैडम सर, हमारे दिवाली के बजट का रॉकेट उड़ने से पहले ही फुसफुसा कर रह जाएगा। मैडम सर, इस पर दिवाली में दिया तो होगा लेकिन जलाने के लिए तेल नहीं होगा। पुष्पा जी, इस पर भी हमको सपना में ही पटाखा छोड़ना पड़ेगा। हारे तो हारे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी जीत की बुनियाद पर हम किसी गरीब के घर में अंधेरा नहीं होने देंगे। क्लियर? जी मैडम सर। और थाने की हार से हमारे घर में जो अंधेरा हो रहा है उसका काम मैडम सर, हमारे घर में रोशनी करने का जिम्मेदारी नहीं है आपका। पहले खुद के घर में दिया जलाएंगे, फिर दूसरों के घर का सूद लेंगे ना मैडम सर। आपके लिए तो आपके बस जज्बात जिंदाबाद। आपको देख के लग ही नहीं रहा कि आपको जीतना है मैडम सर, लेकिन हम नहीं हारेंगे। हम ये कच्चा बनियान गिरोह को पकड़ेंगे और बुलबुल का चेहरा बेनकाब करेंगे। हम ये मुकाबला जीतेंगे और ये जो पैसा है ना, जो ये इनाम मिलेगा ना, ये सबको दिलवाएंगे, सबके घर में खुशियों का रोशनी लाएंगे। अजय, हम निकल रहे हैं, कहा कि फैमिली वेट कर रही है दिवाली का पूजा के लिए, लेकिन तुम लोग आधा आधा घंटे में ड्यूटी बदल बदल के एरिया का राउंड अप करते रहना, समझे ना? निर्लज्ज निखट्टू भ्रष्टाचारी डेली गस्तू लगाता है क्या? ऐसा सर हम नहीं, ये कहना चाहता है। कौन का कहना चाह रहा, हमको अच्छी तरह से पता है कि इसके मन में का है, समझे ना? रही बात चोरों की, तो कौनो चोरी चकारी करने वाला नहीं है, इस एरिया का सारा चोरों के साथ अपना पर्सनल रिलेशन है भाई, हमरे वजह से उनका दाना पानी जो चलता है। काहे कि हमरी बात के आगे तुम लोग जाएंगे नहीं, हमने उनको आदेश दिया है कि दो दिन तक कोई भी कांड नहीं करना। लेकिन हाँ, लोगों को ये लगना चाहिए कि पुलिस एकदम चौकस है, मेहनत कर रही है कि नहीं? अब दफा भी हो मनहूस कि रात भर यही खड़े खड़े बतियाएगा। ऐसा ये कहना चाहते हैं, अगर मैं आपकी जगह और आप मेरी जगह खड़े होते तो। अपने ठाने का नमक का हक अदा करने का वक्त आ गया बिलदुस्पाई। हम तो आराम करेंगे थाने में। छेदी जी, चलिए निकालिए। आ जाओ सब। पैसा लगाना, समझे सब लोग? अरे आपकी बोली को डिकोड करने में बहुत समय लग जाएगा। बोलो। जानकीपुरम थाना, आपके थाने के बाहर एक बैग पड़ा है, वो 2,000 से भरा पड़ा है, लावारिस बैग है, इसलिए कोई हाथ नहीं लगा रहा है। जाइए लूटो, जब्त करो। अरे
पैसों से भरा बैग थाने के बाहर रखा है। चलो लक्ष्मी जी खुद चलकर आई हैं। हमें जब्त करना होगा, जल्दी चलो। माल जब्ती रूम। ओके। ताला मेरे चंपक के सामने ताला लगाते। संतोष जी थैंक यू। देखो ये जगह थोड़ी सुनसान लग रही है हाँ? और यहाँ पर पुलिस का बंदोबस्त भी बहुत कम है, तो ये जगह सबसे बढ़िया रहेगी डाका डालने के लिए, समझे? सही कह रहे हैं। ए, ये देख, धन संपत्ति ज्वेलर्स, यहीं पे डाका डालना बहुत अच्छा रहेगा और माल भी हमें बहुत मोटा मिलेगा। ए, तू देख क्या रहा है? तू उधर सब पे नजर रख, चल जा। ए, जल्दी जा, जा, जा चलो। ए, चलो। ए, पहले मुंह ढक अपना, चल। आपका तजुर्बा कहता है ना, तो हमारा भी अनुभव कहता है। ये जो ढील दिया ना मैडम सर आपने, ये कच्चा बनियान गिरोह इसका फायदा जरूर उठाएंगे। मैडम सर का ये जज्बातों का ढील कच्चा बनियान गिरोह के लिए ना चूहेदानी बनेगा। एक केक को छोड़ेंगे नहीं हम। ये मिठाई कैसे दिया? 600 रुपए केजी। 600 रुपए केजी। मैडम बच्चों के लिए कुछ मिठाई दिला दो। का मुसीबत है, हमारे पास भी बस इतना ही कैश बचा है। का खाए का निचोड़े, का किसी का मदद करे, पर चिंता का बात है। मैडम सर है ना, उनसे उधार ले लेंगे, बाद में लौटा देंगे। इनको मिठाई दे दीजिए आप। हैप्पी दिवाली। जी करिश्मा सिंह का ये? जी मैडम सर, जय हिंद। मैडम सर वो आपसे कुछ बात करना था। वो हमको थोड़ा उधार मिलेगा का? क्या त्योहार का टाइम चल रहा है और हम एकदम कंगाल हो गए हैं। सेविंग के नाम पे तो आपको पता ही है, एकदम नील बट्टा सन्नाटा है। जैसी वेतन मिलेगा हम आपको लौटा देंगे। करिश्मा सिंह आपने वो कहावत तो सुनी होगी, भूखे ने भूखे को मारा और दोनों गश्त खा के गिर गए। देखिए जो हाल आपका है वही हाल हमारा भी है। हमारी भी तनख्वाह खत्म हो गई और जो बचे कुचे पैसे थे वो हमने भी बांट दिए हैं, इसलिए हमारे पास भी कुछ नहीं है। आई एम सो सॉरी। अब लगता है आपकी और हमारी दोनों की दिवाली थोड़ी सूखी सूखी बीती है इस बार। क्या बात करी मैडम सर, आपके पास भी कुछ मतलब आप भी ठन ठन गोपाल? क्या बात है, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो कंगाल। माफ कीजिएगा मैडम सर अगर ज्यादा बोल दिए तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब जो है सो है, फिलहाल दोनों कंगाल है, ठन ठन गोपाल है, तो अब यही सही। जी मैडम सर, रखते हैं, हम आपको बाद में करते हैं। जी जय हिंद। जय हिंद। अब तो ये कंपटीशन हमारे लिए जीतना और भी जरूरी हो गया, वरना हमारा त्योहार तो गया। क्या बात है भाई साहब, सबको एक साथ सर्दी लग गई क्या? घर में शादी भी आए क्या जो इतने लोग एक साथ? शादी तो नहीं, अगर ज्यादा फड़फड़ाया ना तो तेरी मैया यहीं उठ जाएगी, समझा? कच्चा बनियान गैंग के हैं हम और डाका डलाया डाका। ए घेर इनको, ज्यादा समझदार हो रहा तू? तू चल चल चल, ज्यादा समझदारी करेगा तू? हाँ फोन लगाएगा, चल बे, सबके मुंह पे पट्टी बांध, और अगर किसी के मुंह से आवाज निकली ना तो यहीं के यहीं ना काट देंगे हम सब लोग। हाथ भी बांध सबके, और देख क्या रहे हो, जल्दी करो, सोना चांदी लपेटो सब। चलो रे जल्दी जल्दी, सोना चांदी बैग में बांधो। चुप,
हाँ एक काम करो, ये 10 पैकेट और बाकी का सब 2-2 पैकेट पैक कर दो। हाँ क्या कह रहे हो बिल्ला, ना मतलब इस दिवाली अंधेरा की उजाला उजाला ही उजाला है साहब। वो क्या है ना कि महिला पुलिस थाने वालों ने इस बार बंदोबस्त बहुत जबरदस्त कर रखा था, लेकिन हम भी पुराने चोर हैं अकबर के जमाने के, खाली हाथ कैसे आ सकते हैं। लेकिन साहब अब की बार हम घर तो साफ नहीं कर पाए, लेकिन एक ज्वेलरी शॉप पर हाथ मारा है, वो भी मेन मार्केट में, बहुत बड़ी शॉप में। क्या कह रहे हो मतलब तुमने दिल खुश कर दिया बिल्ला, दिल खुश कर दिया ना, मतलब तुमने तो हमारी सोच के ऊपर का कारनामा कर दिखाया है। जोहार की रात में भरे बाजार में एक सोनार की दुकान में लूट ना, मतलब अगले दिन पेपर में न्यूज आते ही महिला पुलिस थाने की हार और हमारा जीत पक्का है बाबू। अब देखते हैं हमें ये कॉम्पिटिशन जीतने से कौन रोकता है। बहुत अच्छे बिल्ला, बहुत अच्छे। चलो रे जल्दी जल्दी बांधो सामान, बैग भर गया, लिपेटो, चलो निकलो यहाँ से। लूट गए, मैं बर्बाद हो गया। मेरी दुकान चोरी करके ले गए, पूरा माल लूट के ले गए, मैं बर्बाद हो गया भैया, मेरी दुकान लूट ली, बर्बाद हो गया।